आज मैं बनाने वाली हूँ अपने घर की छत पर पौधे लगाने के लिए क्यारी। अगर आप भी अपने घर की छत पर पौधे लगाना चाहते हैं और आपके पास गमले या ग्रो बैग नहीं है, तो आप आसानी से अपने घर की छत पर क्यारी बना सकते हैं। और ये क्यारी वाटरप्रूफ होगी, जिससे कि आपकी छत पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में आप जब चाहें तब इसे हटा सकते हैं और बना सकते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं इन पालक को हटाकर यहाँ पर फिर से आपको क्यारी बनाकर दिखाऊंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्यारी या 2 साल हो चुके हैं इसी तरह यहाँ पर बनी हुई है। तो इसे मैं साफ़ करके दिखाऊंगी कि हमारी छत पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जैसी हमारी पहली छत थी वैसी ही है और हम इसी तरह अब भी बनाएंगे। तो क्यारी बनाने के लिए मुझे पहले इन्हें उखाड़ना होगा, तो इन पालक को उखाड़ रही हूँ। और इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इनका इस्तेमाल भी हम इन क्यारी में ही करने वाले हैं। इनसे बहुत अच्छा खाद बनेगा और हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी। मैं कोई भी सामान जो हमारे गार्डन से और किचन से निकलता है उसे मैं संभाल कर रखती हूँ, और जो भी क्यारी या ग्रो बैग भरती हूँ उसके नीचे किचन वेस्ट और ये सूखे हुए पत्ते को डाल देती हूँ। तो इस तरह मैं पूरी पालक को निकाल ली है, और हमें हमेशा 1-2 साल में मिट्टी को पलटते रहना चाहिए, जिससे कि हम जो किचन वेस्ट डालते हैं वो उसमें मिल जाता है और हमारी पूरी मिट्टी खाद वाली बन जाती है। तो इस तरह मैंने पूरी पालक को उखाड़ कर अलग साइड में रख दी। सारी पालक उखाड़ने के बाद मैंने इन ईंट को भी अलग रख कर सफाई कर ली, और मिट्टी को मैंने यहाँ एक साइड ढेर लगा दिया है ताकि इसे मैं धूप में कुछ दिन सुखा सकूँ। तो मिट्टी पलटने के समय मिट्टी को 1-2 दिन आप धूप जरूर दिखाएं, ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं मेरी छत में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, और जैसी छत थी वैसी ही है, क्योंकि मैं इस तरह से इसे बनाया है। तो इस तरह मैंने उस क्यारी की सफाई कर ली है, और आप देख सकते हैं कि हमारे छत में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आप देखते हैं कि किस प्रकार मैं अपने घर की छत पर इस तरह की क्यारी बनाती हूँ। तो क्यारी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ ईंट। तो ईंट हमने इस तरह से जमा ली है। पहले हमें एक ईंट को अच्छे से जमा लेना है, जैसी हमें क्यारी बनाना है उस टाइप से। इसी तरह इन पर 2 ईंट और रखना है। तो हमारी टोटल 3 ईंट वाली क्यारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह मैंने सभी ईंट को जमा लिया है। हमें लेना है ये पॉलीथीन। ये पॉलीथीन बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारे छत पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसे हमें तरह से बिछाना है। तो इस तरह मैं बिछा रही हूँ, और ऊपर से हमें कोई ईंट रख देना है इससे, ताकि ये पॉलीथीन हिले ना। तो मैंने इस तरह से इसे बिछा दिए, और यहाँ पर इसे ऊपर तक फैलाया है, और इधर की साइड पॉलीथीन नहीं बिछाई है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा। मैंने पॉलीथीन बिछाने के बाद अब जो भी किचन वेस्ट, सूखे हुए पत्ते, गार्डन में से जो भी कचरा निकलता है मैं इस क्यारी में भर रही हूँ, और साथ में वो पालक 2 ईंट की जगह को पूरे किचन वेस्ट से भरा है, और ऊपर से अब मैं इस पर मिट्टी डाल रही हूँ। तो मिट्टी में मैंने मिलाई है 50% मिट्टी, 50% गोबर की खाद, हल्दी पाउडर, चूना, सूखी हुई चाय की पत्ती और सूखे हुए नीम के पत्ते। इस तरह सभी चीज़ मिलाकर मैंने मिट्टी को अच्छी से मिला लिया है, और बाद में इसमें भर दिया है। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ गोभी। तो ये गोभी मैंने सर्दियों में की शुरुआत में लगाई थी, मैं इन्हें रिपोर्ट नहीं कर पाई, तो इनमें फूल भी बनने लगे। अब इसमें सभी गोभी में छोटे छोटे फूल बनना शुरू हो गए हैं। इन्हें लाइन से लगा रही हूँ। अगर आप अभी गोभी लगाना चाहते हैं तो अभी मत लगाइए, क्योंकि अब गोभी लगाने का सीज़न ख़त्म हो चुका है। स्पेशली सर्दियों में ही गोभी उगाई जाती है, और अगर अब आप गोभी लगाएंगे तो 1 महीने तो इन्हें पौधे तैयार होने में लगेंगे। 1 महीने बाद ट्रांसफ़र होंगे बड़े ग्रो बैग में, तो बहुत टाइम हो जाए। इतने में गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, और गर्मी में गोभी नहीं उगती है। अगर आपने पहले से ही गोभी के बीज लगा दिए और वो इतने बड़े हो चुके हैं, तो आप उन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। फिर आसानी से हमें 1 महीने बाद यानी फरवरी मार्च के बीच में ये गोभी मिल जाएगी। तो मैं एक लाइन में 3 पौधे लगा रही हूँ। पौधे हमारे पास बहुत है, मैंने बहुत ज़्यादा बीज लगा दिए थे लेकिन इन्हें रिपोर्ट नहीं। ये फूल गोभी के पौधे भी है, और कुछ लाल पत्ता गोभी के पौधे हैं। तो इस तरह मैंने पूरे पौधे लगा दिए हैं। अब पौधे लगाने के बाद
इस पॉट में इन बीज को लगाया था, तो अब इस खाद को मैं इन पौधों के साइड में डाल रहा हूँ। पौधे हमेशा, आप कोई से भी पौधे हों, उनको ट्रांसफ़र शाम के टाइम करें। सुबह के टाइम पौधे अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे और ग्रो नहीं होंगे। सुबह तक ये पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने पूरी खाद वाली मिट्टी इसी में डाल दी है और इस तरह मैंने अपने घर की छत पर बिल्कुल फ्री में क्यारी बना ली है। तो इस तरह आप भी अपने घर की छत पर बिल्कुल फ्री में वाटर प्रूफ क्यारी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे कभी भी हटा सकते हैं। इससे आपके छत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।